गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन। कल आप लोगों को नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी के बारे में बताया था, तो जिसके फलस्वरूप यूरिन को एक्सट्रेक्ट किया था, तो इसकी स्टडी करेंगे आज की। यूरिन में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उनमें मतलब इसका संगठन क्या है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए यूरिन में 95% तो होता है जल, 95% प्रेजेंट होता है जल होता है, और 5% अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ में जैसे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, मतलब जैसे जैसे यूरिया हुआ, इसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, और देखिए यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और हिप्योरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये एक प्रकार से अन्य पदार्थ में हुए, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। और देखिए जो मतलब मोस्टली जो यूरिन होता है उसमें पाया जाता है क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, वो मतलब प्रेजेंट होता है। और देखिए और अनेक प्रकार से क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन हुए, और लवक यानी एक प्रकार से पिगमेंट हुए प्रेजेंट आदि, और भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। और देखिए आप लोगों को यूरिन के बारे में बता दें, तो देखिए जो यूरिन होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, या एक प्रकार से वैसे तो होती है 5.8। और इसका जो मतलब नेचर होता है वो होता है कैसा, एसिडिक नेचर में होती है। और देखिए जो मतलब यूरिन होता है वो होता है येल्लो कलर का, एक प्रकार से येल्लो कलर का होता है। अब देखिए येल्लो कलर का होता है तो उसमें कौन सा मतलब पाया जाता है, उसमें पाया जाता है पिगमेंट यूरोक्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि यूरिन का जो येल्लो कलर होता है वो किसके कारण होता है, उसमें एक पाया जाता है मतलब पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम होता है यूरोक्रोम पाया जाता है पिगमेंट। और देखिए एक जो हेल्दी मनुष्य में यानी एक स्वस्थ मनुष्य में, एक हेल्दी वुमन में जो मतलब कि यूरिन की मात्रा होती है, यूरिन की मात्रा होती है कितनी, 1.5 लीटर, यानी वो 1.5 लीटर यूरिन को एक्सट्रेक्ट करता है अपनी बॉडी से, यूरिन को एक प्रकार से एक्सट्रेक्ट करता है, मतलब 1.5 लीटर तक यूरिन को वो एक्सट्रेक्ट करता है। अब देखिए इसकी फंक्शन देख लीजिए, ब्रक के यानी किडनी के फंक्शन देख लीजिए, यूरिन टॉपिक खत्म हो गया है। तो देखिए फंक्शन इसके देखिए, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, तो जो हमारी किडनी होती है वो एक प्रकार से ब्लड प्रेशर यानी रुधिर दाब का क्या करती है, नियमन करती है, ये इसका वर्क होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। और देखिए वो एसिड और बेस को एक प्रकार से बैलेंसिंग का कार्य करती है, कौन करती है, किडनी करती है, मतलब एसिड और जो बेस होते हैं उनमें एक प्रकार से संतुलन बनाए रखती है। और देखिए किडनी के वर्क और वाटर की भी बैलेंसिंग करती है, आगे आप लोगों को सब बताया है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, डिसेंडिंग लोब करता है। और देखिए चौथा फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ हार्मोन, और ये हार्मोन का भी एक प्रकार से सीक्रेशन करती है, मतलब हार्मोन का करती है, और मुख्य रूप से हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब एक प्रकार से जैसे हमारी बॉडी के अंदर अनेक प्रकार से टॉक्सिक पाए जाते हैं, हम लोग भोजन के साथ ले लेते हैं, तो मतलब यूरिन के साथ साथ वो भी बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार से होता है, इसकी फंक्शन होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कल आप लोग उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।